रांची में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक रात में 3 मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए के गहने, जेवरात, मुकुट सहित पैसे लेकर फरार हो गए। घटना काली चित्रगुप्त मंदिर की है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक मंदिर नहीं खोला जाएगा। मुकुट था, गला में हार था छोटा सा, और चांदी का एक मंगटीका, तो सोना का मंगटीका था, और चांदी का मुकुट था, पैसा था, यही सब ले गया है। और बगल वाला मंदिर से भी ले गया है। कौन मंदिर में चोरी हुआ? दो मंदिर यहाँ, एक मंदिर नौवा टोली में, 3 मंदिर में चोरी हुआ है कल। 3 मंदिर में कितना का सामान ले गया होगा? हम सोचे कि दोनों मंदिर मिला करके। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ है ये मामला जो सामने निकल आ रहा है? मंदिर में चोरी हुई है, 3 मंदिर में चोरी हुई है, अब तक क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई है, और वहाँ के जो परिजन है, जो भी वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनका कहना है कि जब तक जो भी चोरी किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम मंदिर नहीं खोलेंगे। मैं आपको बता दूं कि आए दिन घटनाएं रांची में ऐसी होती रहती है। मोबाइल में एक ऐसा गिरोह सामने आ रहा है कि मोबाइल एक्सचेंज से लेकर के तमाम तरह के ऐसे, जैसे कोई महिला भी सामने सड़क पे चल रही है, उसका गले से सिकड़ी या ये तमाम प्रकार के जो गहने हैं वो छीन लेते हैं। तो ऐसे तरह के तमाम पर डे, ये पहला मामला नहीं है, यहाँ मंदिर का मामला है, तो इसलिए लोग आक्रोश बहुत ज्यादा है, लोग सामने आए हैं, खड़े हो रहे हैं। मगर इस तरह के जो घटनाएं हैं लगातार रांची में हर कोने में आप देख सकती हैं, कहीं पर ताले, घर के ताले तोड़ करके चोरी होती है, कहीं पर ऑफिस के ताले तोड़ करके चोरी होती है, लैपटॉप से लेकर तमाम तरह के वहां के सामान चोर लेकर उड़ जाते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो भी रांची पुलिस है अब किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि नीरज सिन्हा जो नए DGP बने हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी केसेस पेंडिंग है उसको भी जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, चोरी जैसे या कोई भी घटना जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं, उसको जल्द से जल्द रोक लगाने की प्रयास किया जाएगा। जी कृष्णा, तो जो ये चोरी हुई है मंदिर में, मतलब अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, अभी देखिए, अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग जो भी है, आस पास के लोग हैं, वो आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक चोर नहीं पकड़े जाते हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम मंदिर नहीं खोलेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया कृष्णा। तो जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, वहाँ के ग्रामीणों ने बोल दिया है कि जब तक चोर पकड़े नहीं जाते तब तक मंदिर को नहीं खोला जाएगा।